200 ml सरसों का तेल 50 रुपए में बेच रहे अडानी, कांग्रेस नेता बोले जल्द ही पेट्रोल भी ऐसे ही बिका करेगा। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने देश के विकास के नाम पर सिर्फ महंगाई बढ़ाने का काम किया है। देश में महंगाई का स्तर इतना बढ़ गया है कि आज गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का पेट पालना मुश्किल होता जा रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला सामान भी लोगों तक पहुँचाने से बाहर होता जा रहा है। देखते ही देखते खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल के दाम बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर हालत इसी तरह के बने रहे तो जल्द ही देश में भुखमरी की स्थिति बन सकती है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा मोदी सरकार को बीते काफी समय से घेरा जा रहा है। इसी कारण मोदी सरकार संसद में इन मुद्दों पर चर्चा करने से भाग रही है। इसी बीच ट्विटर पर कांग्रेस नेता गौरव पंधी ने एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा है कि चिंता ना करें, सरसों के तेल के बाद अब बहुत जल्द पेट्रोल भी ऐसी 200 ml की कुप्पी में मिला करेगा। दरअसल कांग्रेस नेता द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर में सरसों के तेल के 200 ml का टेट्रा पैक नजर आ रहा है, जो कि मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है। इससे पहले किसी भी सरकार ने सरसों के तेल के दामों में इतनी बढ़ोतरी नहीं होने दी है। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि सरसों के तेल में 200 ml टेट्रा पैक जिस कंपनी का है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी पूंजीपति अडानी की कंपनी द्वारा बनाया गया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने देश को गरीबी की तरफ धकेल दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जहां देश के आम आदमी का जीना मुहाल हो रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब पूंजीपतियों अडानी और अंबानी की खूब चांदी हो रही है।